साहब और अजय भाई के एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। I request people are sitting a bit forward. मैं सभी से request करूं कि थोड़ा आगे आ जाए और इस की आवाज का हिस्सा बने। To give your good wishes and good luck to Mr. Shamim Khan and Mr. Pradeep Kevona ji को अपने शुभकामनाएं दें क्योंकि आज हम announce करने जा रहे हैं और कर चुके हैं the 6th Tiifa Award ceremony, the Indian Icon Film Award. गाइस थोड़ी सी तालियां बजाते रहिए तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है सब वेट करें कि कब हम अनाउंस करें कि व्हेन इज द 6th Tiifa गोइंग टू हैपन। यस शमीम जी और प्रदीप जी के बारे में आपने जो बताया उसमें कुछ एड ऑन करके मैं बोलना चाहूंगी कि प्रदीप जी ने काफी डिफिकल्टीज देखते हुए बुक्स की दुनिया से बॉलीवुड में कलम रखा, ट्रेंड सेट किया बाय द नेम ट्रेंड सेटर्स बुक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा हुए थे म्यूजिक कंपनी एंड फिक्शन हाउस, और इन दोनों शख्सियतों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना कभी पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का कभी इरादा अधूरा नहीं होता। और शमीम जी और प्रदीप जी के लिए ये स्पेशल दो लाइन, जिनके कर्म अच्छे होते हैं जीवन में उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, अंधेरा नहीं होता। और हमारे बीच है डायरेक्टर शाहरुख मिनाज, उनका भी मैं तहे दिल से परवाज मीडिया ग्रुप और टीफा अवार्ड्स की आप सभी के हाथों से हियर वी लॉन्च द ट्रॉफी ऑफ 6th Tiifa अवार्ड्स द इंजन Icon Film Awards. सभी का तालियों से तालियों बजती रहेंगी शिवा। सोता तालियों प्लीज। अरे हड़िया भाई अभी। हड़िया भाई। गाइस थोड़ी तालियां बजाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा प्लीज। Put your hands together for the moment of this eve. We all are here to launch. I am nominated for as a best pop song of this year as a best pop singer for my song Club Ho Ya Pub Ho. जो कि इस साल रिलीज़ हुआ था टी सीरीज से और जिसमें मैं और बोहेमिया पाजी थे एंड उस पर मोर देन 10 मिलियन हिट्स आए एंड इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग। क्लब हो या पब हो विस्की का टब हो नशे में हम सब हो वो ओ ओ सोनी कुड़ी नाल हो म्यूजिक की कमाल हो फुल नाइट धमाल हो वो ओ ओ दैट्स अ सॉन्ग। मैं शमीम भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये अवार्ड उन्होंने शुरू किया है और इंशाल्लाह ये अवार्ड्स चलता रहे आगे बड़े बुलंदियों पे जाए और मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। आज उनकी हैप्पी बर्थडे भी है, उनके जन्मदिन भी मुबारक हो, बहुत बहुत कामयाबी मुबारक हो इंशाल्लाह। अभी सबसे पहले ये 6th Tiifa अवार्ड 5 नवंबर को 2017 मुंबई में होगा, आप सब लोगों के विशेष के साथ, आप सब लोगों के दुआओं के साथ। हमारे अवार्ड में खास है कि हम सब लोग एक तो पोस्टो थॉमस अवार्ड यानी मरणोपरांत अवार्ड भी देते हैं, उनकी फैमिलीज़ को देते हैं जो बड़े कलाकार चले गए दुनिया से, तो वैसे लोगों का ध्यान रखते हैं। और जिन्होंने सिनेमा को कई साल दिए, कई दशक दिए और वो कहीं ना कहीं खो गए हैं, हम लोग वहाँ तक भी जाते हैं और उनके कामों को सराहते हुए हम उनको भी ऑनर करते हैं। यही आइकॉन्स हैं, क्योंकि जिन आइकॉन्स ने सिनेमा को टाइम दिया और वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ में है, वैसे लोगों को भी हम उभार के लाने की कोशिश करते हैं। यही रहेगा द इंडियन आइकॉन फिल्म अवार्ड और विशेष चाहिए आप सब लोगों की, और बहुत सारे एकत्रित होंगे सिनेमा के सितारे एक मंच पे 5 नवंबर को मुंबई में। सबसे पहले सबको नमस्कार, मैं संगीतकार दिलीप सेन। जी हाँ, टीफा अवार्ड जो अभी शुरू हुआ हुआ है, मुझे उम्मीद है कि बाकी अवार्डों की तरह ये अवार्ड भी बहुत पॉपुलर होगा और ये एक हम में से एक जर्नलिस्ट ने, एक कलाकार ने ही ये अवार्ड शुरू किया है कलाकारों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत ही साफ सुथरा अवार्ड होगा। मैं शमीम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और सबसे खुशी की बात यह है कि आज उनका बर्थडे भी है, तो मैं बहुत उनको हैप्पी बर्थडे कहता हूं और उम्मीद करता हूं खुदा से कि ये अवार्ड दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे। और जिस तरह से उनका विज़न है, मैंने उनसे बात की है, वो विज़न
मुझे लगता है कि बहुत कामयाब होगा और ये अवार्ड भी आईफा अवार्ड की तरह या फिल्म फेयर अवार्ड की तरह वर्ल्ड मैप पे जाएगा। मैं शमीम भाई को इनकी टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। जैसे कि योगेश जी हम लोग को भूलते नहीं हैं, वैसे ही शमीम भाई हम लोग को कभी नहीं भूलते हैं। हमको फिल्म फेयर अवार्ड तो नहीं मिलता है, लेकिन इनके अवार्ड से हमें ताकत मिलती है आगे और काम करने का। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत नेक काम है और नए लोगों के लिए एक प्रोत्साहन का काम है, एक इंकरेजमेंट का काम है नए कलाकारों के लिए जो ये सोचते हैं या योगेश जी सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मेरी दुआएं इनके साथ हैं। टीफा का 6th अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है और इससे पहले जितना भी समीम भाई ने किया है काफ़ी सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं कि 6th भी काफ़ी अच्छा अवार्ड होगा। इसके लिए समीम भाई को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। समीम भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ब्राइट फ्यूचर। और सर के हर अवार्ड का मैं एक हिस्सा हूँ। yes. बड़े में बड़े अवार्ड्स में मैं जाता हूँ, फिल्म फेयर, आईफा, फेमिना ग्लैडिएटर, लेकिन यहाँ जो प्यार, जो अपनापन और जो मुझे उन्होंने कॉल करके पर्सनली बुलाया तो जो मुझे अपनापन मिला उसके लिए मैं आज संडे को फैमिली और सब छोड़ के दौड़ के आया सिर्फ उनके प्यार की वजह से। तो इनका अवार्ड सुपर डुपर हिट हो गया और जब से चालू हुआ मैं इसका एक हिस्सा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, इनके अवार्ड से जुड़ा हूँ और बड़े बड़े ऐसे पर्सनैलिटी के साथ मैं आज हूँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।